और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ और आज बनाते हैं हक्का नूडल्स की रेसिपी। बहुत इजी है, तो चलते हैं मेरे किचन की तरफ। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है होल व्हीट हक्का नूडल्स। इसको कैसे बॉईल करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ सब्ज़ियाँ काट ली हैं। तो सबसे पहले मैंने सब्ज़ियों में काटी है प्याज। ऑलराउंडर है, हर चीज़ में पड़ती है ज़्यादातर। तो मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज ली है और उसको कट कर लिया। आप कैसे भी कट कर सकते हो। इसके बाद मैंने लिया है कैप्सिकम, शिमला मिर्च। इसके बीजेज आप निकाल सकते हो, नहीं भी निकाल सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें कोई कड़वाहट नहीं होती है। और इसे भी हमें लंबा लंबा काट लेना है। और इसके बाद हम लेंगे बंद गोभी, कैबेज, तो इसे भी हम काट लेंगे। तो बंद गोभी मुझे बहुत पसंद है, नूडल्स हो, चाउमीन हो, कोई भी चीज़ हो, मैं इन सब्ज़ियों का यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने इसको काट लिया है, बहुत सारा बंदा काटा है। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे कैरेट, गाजर। तो गाजर को भी हम स्लाइसेस में काटेंगे और इसके बाद इसे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में काट लेंगे। सिंपल सी सब्ज़ियाँ हैं, आप चाहें तो इसमें और भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं जो आपके बच्चों को पसंद नहीं होती हैं, लेकिन तभी वो नूडल्स में सब सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक लेना है पैन और उसमें लेना है पानी, और पानी हमें आधा लीटर के करीब ले लेना है। और इसके बाद इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, जिससे कि नूडल्स में थोड़ा सा नमक का फ्लेवर आ जाए। पानी जब उबल जाए तब हमें इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ कर देनी है। तो याद रहे कि जब भी हम हक्का नूडल्स को बॉईल करते हैं तो ऑफ फ्लेम में ही इसको रख देते हैं थोड़ी देर, तो ये अपने आप ही जो होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है और इसमें मैं इसको डाल दूँगी। और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हमें ढक के रख देना है और इसके बाद ये अपने आप ही जो है अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये खुद ही अपने आप से ही अलग हो गया है। मैंने इसमें और फ्लेम नहीं ऑन की थी। तो ये देखिए, इसको मैंने चेक कर लेना है। तो ये गल चुकी है अच्छे से, सॉफ्ट भी हो गई है। और बाकी की जो रही कुची कसर है वो जब हम पकाएंगे तब इसमें हो जाएगा। तो इसे हमें ड्रेन कर लेना है, सारा पानी हमें निकाल लेना है इसका, अच्छे से इसको सोक कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और 1 इंच जिंजर का। तो जिंजर का जो फ्लेवर है वो हमें इस तेल में लाना है। तो आप चाहो तो जब ये फ्राई हो जाए तो इसके पीसेस को निकाल सकते हो, और नहीं मन हो तो मत निकालिए। बस मैंने एक टुकड़ा ही लेना है और इसको मैंने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इसका सारा फ्लेवर जो है वो इस ऑयल में आ जाएगा और ऑयल से नूडल्स में आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा इसमें ब्राउन कर लेना है इसको। और ये आपस में चिपक जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें कुछ सब्ज़ियाँ जो कम देर से गलती हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाली है प्याज और गाजर। तो ये बहुत गाजर जो होती है बहुत देर से गलती है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले डाला है। और थोड़ी सी हाई फ्लेम पे ही हमें इसको कुक करना है, ज़्यादा देर हमें इसको पकाना नहीं है वरना ये पानी छोड़ देगा। तो बस हमें इसको हल्का सा सौते कर लेना है, हल्का सा ही फ्राई कर लेना है। तो ये है वो अदरक का टुकड़ा, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो वरना इसी में ये पड़ा रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सब्ज़ी हमारी थोड़ी सी पक चुकी हैं, हल्की सी। और इसके बाद हम इसमें बाकी की बची हुई जो सब्ज़ियाँ थी वो इसमें डाल देंगे और इसे भी हमें तेज़ फ्लेम पर इसे कुक कर लेना है हल्का सा। तो सब्ज़ियों को हमें पूरा पकाना नहीं है, याद रहे इसमें हमें जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो थोड़ी सी कच्ची ही अच्छी लगती हैं, तो हम इसमें सब्ज़ियाँ थोड़ी कच्ची ही रखेंगे, इसीलिए तेज़ फ्लेम पे हम इसे कर रहे हैं ताकि ये पानी भी ना छोड़े। और इसके बाद सब्ज़ियाँ हो चुकी हैं, थोड़ी सी गल चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे नूडल्स, सोया सॉस डालेंगे 2 टीस्पून। सोया सॉस बहुत पसंद है मुझे, तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाला है। और ग्रीन चिली सॉस डालेंगे इसमें हम 2 टीस्पून। नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक 1 टीस्पून और काला नमक डालेंगे 1/3 टीस्पून। काला नमक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। शुगर डालेंगे 1/2 चम्मच। चिली विनेगर हम डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच।
और इसे अब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बस इसमें कोई इंग्रेडिएंट और नहीं जाना है, इसे अब हम चेक कर लेंगे। तो टेबल में ले जाने से पहले हमेशा अपनी डिश को चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब हम इसे पलट लेंगे और प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे आप टमाटो सॉस के साथ खाइए, क्योंकि चिली सॉस हम पहले ही डाल चुके हैं। आप चाहें तो और चिली सॉस में डाल सकते हैं। तो आई होप कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।